हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे आई एम गोइंग टू रीड अ चैप्टर फर्स्ट वी शैल ओवरकम ऑफ इंग्लिश। इट इज़ अ पोएम। इट इज़ रिटन बाय चार्ल्स अल्बर्ट टिनले। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इट। चैप्टर फर्स्ट वी शैल ओवरकम। इट इज़ रिटन बाय चार्ल्स अल्बर्ट टिनले। रिसाइट द गिवन लाइन टुगेदर विद योर टीचर। आपको ये सारी लाइन्स हैं जो टीचर के साथ साथ बोलनी है। स्पीक विद मी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बेटा, इस पोएम को सुनकर आपको ऐसे लगता है ना कि ये पोएम आपने सुनी हुई है। बिल्कुल, ये सॉन्ग, ये पोएम हमने सुना हुआ है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऑलमोस्ट ये पोएम्स आप रिसाइट करते हैं, सुनाते हैं, है ना। तो ये पोएम हिंदी में लिखी हुई है ना। इसको हिंदी में लिखा है, ये लिखी हुई, ये इंग्लिश पोएम वी शैल ओवरकम लिखी थी चार्ल्स टिनले ने। इसका हिंदी रूपांतरण किया गिरजा कुमार माथुर ने। इजंट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन। क्या इंस्पायरिंग सॉन्ग है बेटा? यस, दिस इज इंडीड एन इंस्पायरिंग सॉन्ग। हाँ, ये एक इंस्पायरिंग सॉन्ग है। डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेट इन टू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय आवर ओन पोएट गिरजा कुमार माथुर। क्या आपको पता है इसको हिंदी में चेंज किसने किया, इसको हिंदी में रिटर्न किसने किया, ट्रांसलेशन किसने किया? गिरजा कुमार माथुर ने इसे हिंदी में लिखा। यस, वी नो दैट दिस पोएम वॉज ट्रांसलेट इन टू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय गिरजा कुमार माथुर। हाँ, हमें पता है इसको इसका हिंदी ट्रांसलेशन वी शैल ओवरकम से इसका हिंदी ट्रांसलेशन गिरजा कुमार माथुर ने किया। गॉट इट। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द पोएम। आ फर्स्ट स्टेंजा, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम सम डे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम। वर्ड मीनिंग, ओवरकम मीन्स सक्सीड, सम डे मीन्स वन डे, डीपली इन माई हार्ट अनडाउटली बिलीव कॉन्फिडेंस। ओवरकम मतलब जीतना, कि हमारी जीत अवश्य होगी। सम डे यानी एक दिन। डीप इन माई मीन्स डीप इन माई हार्ट मीन्स मन में विश्वास है, डाउटलेसली बिना शंका के, बिलीव कॉन्फिडेंस बिल्कुल विश्वास है। द पॉइंट सेज डैट ही हैज नो डाउट अबाउट सक्सेस। इस स्टेंजा में पॉइंट ने कहा है उसे बिना शंका के, बिना कोई शक के विश्वास है कि एक दिन जीत उसकी अवश्य होगी। A day will come when we will succeed in getting over our all problems. पॉइंट को बिल्कुल विश्वास है कि वो मेहनत से अपनी सारी प्रॉब्लम्स पर विजय पालेगा और जीत उसकी ही होगी। Now the next stanza. Next, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी विल वॉक हैंड इन हैंड सम डे। वर्ड मीनिंग, वॉक मूव चलना, हैंड इन हैंड मीन्स टुगेदर साथ। द पॉइंट सेज डैट ही हैज फ्रिम बिलीव डैट अ डे विल कम वैन द डिफरेंस थॉट विल एंड एंड ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड मूव टुगेदर विद लव। इस स्टेंजा में पॉइंट ने कहा है कि उसे विश्वास है कि एक दिन ऐसा होगा कि सब सारे भेदभाव को भूलकर सब एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे, और सबके जो विचारों में मतभेद है, सबके जो अलग अलग विचार हैं, ऊंच नीच का भेदभाव सब खत्म हो जाएगा, सब विचारों में सबके समानता होगी और सभी साथ मिलकर रहेंगे, सभी साथ मिलकर चलेंगे, मतलब एक साथ काम करेंगे। थर्ड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टू डे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टू डे।
अफ्रेड मीन्स डर, टुडे मीन्स आज का दिन. द पॉइंट सेज दैट द टाइम हैज कम व्हेन वी हैव टू नो फियर ऑफ एनीथिंग, वी अटेंड द स्टेट ऑफ फियरलेसनेस. पॉइंट ये कहना चाह रहा है इस स्टेंजा में कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हमें किसी चीज़ का डर नहीं होगा और हम बिना डर के सारी प्रॉब्लम्स पर विजय पा लेंगे. फोर्थ स्टेंजा, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री सम डे. ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री सम डे. वर्ड मीनिंग ट्रूथ, फैक्ट यानी सच, फ्री मीन्स इंडिपेंडेंस आज़ादी, अस वी ऑल यानी हम सब. द पॉइंट सेज दैट अ डे विल कम व्हेन ऑल पीपल वुड नो व्हाट इज ट्रूथ, दिस ट्रूथ वुड बी मेक अस फ्री फ्रॉम ऑल इल्यूजन. इल्यूजन मीन्स भ्रम शंका. इस स्टैंजा में पॉइंट ने कहा है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है. सच के रास्ते पर चलकर हमें हमेशा विजय ही हासिल होती है और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि सच्चाई की राह पर चलते चलते सभी लोग जीत जाएंगे. फिफ्थ, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस सम डे. और डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस सम डे. वर्ड मीनिंग पीस, क्वारल फ्री स्टेट यानी शांति. शैल लिव एक दिन. द पॉइंट सेज दैट ही हैज फ्रीम बिलीव दैट अ डे विल कम व्हेन ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल एंड एंड ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल एंजॉय द पीसफुल. ओके, इस पोएम में पॉइंट ये कहना चाहता है, इस स्टैंजा में पॉइंट ने ही बताया है कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि चारों ओर शांति होगी, विश्व में चारों ओर शांति होगी, ऊंच नीच का, अमीरी गरीबी का, काले गोरे का सारे भेद खत्म हो जाएंगे. इसी के साथ सब सेम होंगे, कोई भेदभाव, कोई डिफरेंस नहीं होगा. शांति मीन्स हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जो रिलीजन है सब एक साथ रहेंगे, किसी में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई भेदभाव नहीं होगा. और इस तरीके से सब मिलजुल कर रहेंगे तो चारों तरफ शांति 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 मीन्स खुशहाली और पीसफुल लाइफ सभी जी सकेंगे, ऐसा पॉइंट का विश्वास है. द चैप्टर हैज कंप्लीटेड, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज. यू विल डू ऑल दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड ओनली क्वेश्चन आंसर यू विल डू इन योर रफ नोटबुक. चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको जो सही है उसे चूज़ करना है. अकॉर्डिंग टू द पॉइंट व्हाट मेक अस फ्री, पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्या फ्री, क्या आज़ादी क्या दिलाता है, करेज, पीस, विक्ट्री, ट्रूथ. सच्चाई हमें फ्री आज़ादी दिलाती है. व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन्स इन द सॉन्ग, हाथों में हाथ लिए चलना इस सॉन्ग में क्या मतलब दर्शाता है. वॉकिंग डाउन इन द स्ट्रीट, गलियों में घूमना ये कहलाता है. परेड करना ये बतलाता है. यूनाइटेडली यानी एक साथ बंधे हुए रहना ये सिखलाता है. मेक अ ट्रिप पर जाना ये सिखलाता है. सी वन इज राइट, एक साथ बंधे हुए रहना. थर्ड, व्हाट डज डीप इन हार्ट इन माई हार्ट मीन्स, इसका मतलब क्या है. डीप इन हार्ट का मतलब व्हाट आई समथिंग होप, मैं क्या चाहता हूँ. व्हाट आई थिंक, मैं क्या सोचता हूँ. व्हाट आई स्ट्रांगली फील, मैं क्या दृढ़ निश्चय से क्या मैं सोचता हूँ और मैं क्या फील करता हूँ हकीकत में. व्हाट आई लाइक, मुझे क्या पसंद है. इट इज़ राइट आंसर इज सी. यू विल फील ओनली इन दिस योर बुक. नेक्स्ट बी, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताइए, जो सही है उसके लिए ट्रू और जो गलत है उसके लिए फॉल्स. वी शैल नेवर ओवरकम, क्या हमारी जीत कभी नहीं होगी. फॉल्स. We will walk separately, हमें सभी को अलग अलग दूर दूर चलना चाहिए, साथ में नहीं रहना चाहिए. False. नहीं. Third, the truth shall make us free someday. सच्चाई की राह पर चल के हमें एक दिन जीत अवश्य मिलेगी. बिल्कुल सही. True. Now the
क्वेश्चन आंसर, यू विल डू क्वेश्चन आंसर ओनली इन योर रफ नोटबुक एंड एक्सरसाइज विल बी यू डू इन योर बुक ओनली. फर्स्ट, व्हाई डज द पॉइंट से वी आर नॉट अफ्रेड. पॉइंट ये क्यों कहता है कि हमें नहीं डरना चाहिए. द पॉइंट सेज वी आर नॉट अफ्रेड बिकॉज ही वॉन्ट टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ होप एंड ट्रम्प्स ऑफ इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. पॉइंट ये कहना इसलिए चाहता है कि वो हमारे हृदय में एक आशा जगाना चाहता है कि हमारी फीलिंग अगर हमारे मोटिवेशनल स्ट्रांग होगा तो हमें जो हम हर मजबूरियों से जीत जाएंगे, हम मुश्किलों से हमारा समाधान कर सकते हैं. सेकंड, विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू डैट द पॉइट इज़ नॉट लिविंग पीसफुली एट अ प्रेजेंट. कौन सी लाइन आपको बता रही है कि इस समय पॉइट पीसफुली नहीं रह रहा है. आंसर, वी शैल लिव इन पीस सम डे. यहाँ पर जब जिस लाइन में पोएम में ये कहा गया है कि एक ना एक दिन वो शांति से जरूर रहेगा, ये वाली लाइन शो करती है. थर्ड, हाउ डू यू फील वैन यू सिंग दिस सॉन्ग. आप ही जब ये सॉन्ग गाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं. वैन आई सिंग दिस सॉन्ग इट डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ होप एंड ट्रम्प ऑफ ट्रूथ इन मी. इस सॉन्ग को गाकर ऐसा महसूस होता है, बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, अपने आप को मजबूत पाते हैं और चाहते हैं कि हम सच्चाई की राह पर चलकर हम जरूर सक्सेस पाएंगे. इस सॉन्ग को सुनकर गाकर ऐसा ही फील होता है. फिल इन द ब्लैंक्स यू विद सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स यू विल फिल इन योर बुक ओनली. फर्स्ट, आई ऑलवेज पिक द ब्रैकेट में से आपको चूज करना है. हमेशा भी क्या बोलना चाहिए, ट्रूथ सच. इन द ट्राई कलर वाइट कलर स्टैंड फॉर झंडे में व्हाइट कलर किसके लिए होता है, पीस के लिए. अ थीफ इज ऑलवेज ऑफ द पुलिस, अफ्रेड मीन्स डरना. विथ कॉन्फिडेंस वी कैन ओवरकम आवर फियर. कॉन्फिडेंस से हम हमारे डर पर और जीत पा सकते हैं. नाउ योर फर्स्ट चैप्टर हैज कंप्लीटेड, यू विल रीड इट टू टाइम्स. इन नेक्स्ट आई विल मेक यू रीड सेकेंड चैप्टर. थैंक यू.